बीके के सभी दर्शकों का मैं साक्षी गुप्ता स्वागत करती हूँ। मेरी आप सभी से अपील है, देश को कोरोना से बचाने के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश का साथ दें। फिलहाल वक्त हो चुका है आज की खास खबर का। फिरोजाबाद के नारकी ब्लॉक में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए पंचायती विभाग ने जागरूक महाअभियान की शुरुआत की, जहां ब्लॉक व जनपद स्तर के दर्जनों अधिकारी गांव में टीम बनाकर लोगों को जागरूक करते रहे। वहीं विकास खंड अधिकारी नरेश कुमार ने डोर टू डोर जाकर मास्क वितरित किए। उन्होंने नारकी ब्लॉक के ग्राम सभा जामपुर के रामनगर में दर्जनों सफाई कर्मियों से सैनिटाइजेशन व एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। आपको बता दें, नव निर्वाचित प्रधान शारदा देवी के पति जमुना प्रसाद भी गांव में लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। विकास खंड अधिकारी ने रामनगर में स्वयं नालियों को साफ करवा कर गांव वालों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद की अन्य ब्लॉक अपनी पंचायतों में भी इसी तरह की कोरोना की लहर रोकने के लिए जागरूक महाअभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा हर गाँव में एक निगरानी समिति गठित की गई है और निगरानी समिति के सदस्य में जो अध्यक्ष हैं उसके ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं, कोटेदार हैं, लेखपाल हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं और इन समितियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये समिति घर घर जाके सर्वे करेगी और जिस भी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें मेडिकल किट का वितरण करेगी और अगर किसी व्यक्ति में उसके बाद भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल फोन कर आरआरटी टीम जो गठित की गई है अस्पताल द्वारा उन्हें सूचित करेगी। आरआरटी टीम गांव में आएगी और उस व्यक्ति का तथा उसके परिवार के सदस्यों का जो भी उसके संपर्क में व्यक्ति आए होंगे उनकी जाँच करेगी। फिरोजाबाद से जीपी सिंह की रिपोर्ट।